चीन की एम्बेसी से ऐसे एक एनजीओ को पैसा मिलता है जिस एनजीओ में जयशंकर जी का बेटा काम करता है, बताइए इसका जवाब दीजिए। चीन के आगे प्रधानमंत्री ना आंखें खोल के देख पाते हैं ना मुंह खुलता है उनका। नफरत को लेकर ये कहा जा रहा है, जैसा आपने इसमें भी लिखा है कि नफरत के खिलाफ जो हिंसा हुई है, क्या मोहब्बत की दुकान लोगों तक जाएगी? बिल्कुल, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आज जब हम बात कर रहे हैं तब भी वहाँ मोहब्बत फैलाने का, शांति लाने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। राहुल गांधी जब सदन में बोलेंगे तो क्या लगता है कि वो नू मेवात में जो हिंसा हो रही है, बुलडोजर की आवाज वो संसद में उठाएंगे? देश को जो भी मुद्दे परेशान कर रहे हैं वो आवाज राहुल गांधी उठाएंगे। बुलडोजर की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं जो हो रही है? कहा जा रहा है कि संघर्ष होना चाहिए, न्याय में कहीं व्यवस्था नहीं है इस तरह से बुलडोजर चलाने की, न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करना आना चाहिए सरकार को। एक तरफा अमित शाह कौन है? प्रधानमंत्री सिर्फ क्या रेल को झंडी दिखाने के लिए है, सिर्फ इनॉग्रेशन करने के लिए है, सिर्फ वोट बटोरने के लिए है? मणिपुर पे जवाब प्रधानमंत्री क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं सामने खड़े होकर सवाल लेते हमारे मणिपुर पे? अमित शाह जी ने तो कहा है 11 तारीख को बात होनी है। कौन है ये तो वहाँ गए थे गृह मंत्री, तब भी ये हो रहा था, तब क्या इन्हें मालूम नहीं था महिलाओं के साथ क्या हुआ? देश छिपा के रखा इन्होंने ये सारी बात। देखिए पूरा देश बदलेगा, ठीक, राहुल गांधी अकेले नहीं है, पूरा भारत, पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान के साथ। ठीक, दे आर नॉट हैंडलिंग, दे आर नॉट रिजॉल्व मणिपुर इशू, देन व्हाई आर दे क्राइंग? भारत माता इज क्राइंग, भारत माता चिल्ड्रन आर क्राइंग, भारत माता चिल्ड्रन आर ईच अदर फाइटिंग, भारत माता चिल्ड्रन आर किलिंग ईच अदर, यू कैन नॉट हैंडल देन यू शुड रिजाइन। नफरत व्हाट राहुल जी सेड दैट इज अ क्लियर एग्जांपल मणिपुर, नफरत एवरीवेयर इन इंडिया, दैट इज एग्जांपल नुवु, एग्जांपल मणिपुर। यू आर गोइंग टू रशिया, यू आर गोइंग टू यूक्रेन, फर्स्ट ऑल योर बॉस, व्हाट्स हैपनिंग इन कंट्री, दिस कंट्री, यू अवेयर और नॉट? 3 months you are not ready to speak, shame on this government. No conference motion right now in parliament, what is your view about that? See, this is a government is not ready to listen opposition party, they are sitting in government, they are not ready to allow run for the parliament, this is the first time this is happening, shame on this government. Many issues there, their development, development they are speaking, who will come development every day is happening, some galata, danga everywhere, they want to protect only 2 people, what Rahul ji that said, that's a clear, Rahul ji always said to government, in Janleva, Notbandi, Gabbar Singh tax, note ban, and every time he said what's it, this clear? मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार के खिलाफ आज भारतीय युवक कांग्रेस का एक एक साथी आज यहाँ जंतर मंतर पर उपस्थित होकर आदरणीय राहुल गांधी जी के कंधों को मजबूत करने के लिए उपस्थित हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार जिस प्रकार समूचे भारत में महंगाई के माध्यम से हमारे गरीब दलित युवा किसान भाइयों की कमर को तोड़ने का कार्य कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा देने वाली सरकार, हमारे भारत देश के अनेकों प्रदेशों में महिलाओं के साथ बर्बरता और बलात्कार किया जा रहा है, उस पर चुप्पी साधे बैठी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, मणिपुर में जो हमारी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, निकम्मी सरकार अपनी चुप्पी साधे बैठी हुई है। ऐसे में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के बौखलाहट के कारण हुआ। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने पूरे देश के युवाओं की ताकत को पहचाना और आदरणीय राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, राहुल गांधी हमारे भारत देश के एक एक युवा के हृदय में बसते हैं और आने वाले समय में हमें साबित कर देंगे और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ईंट से ईंट बना देंगे।